मुझे कुछ सामान परचेज करना है रिगार्डिंग टू माई अपकमिंग राइड्स के लिए। अभी आके फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग गियर फ्यूरी, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या परचेज करने वाले हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज कैसे हो आप सब? होपफुली आप अच्छे हो, अच्छे ही रहना। तो गाइज अभी का टाइम हो रहा है 3:12, तो एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 2:20 जैसे अप्रॉक्स हो रहा है। यहाँ पे मेरा टाइम थोड़ा गलत दिखाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और नीतीश थोड़ा सिटी की तरफ सामान परचेज़ करना है रिगार्डिंग टू माई अपकमिंग राइड्स के लिए। तो अपकमिंग राइड में मेरे को एक राइड करना है जो लगभग पकड़ लो 600 to 700 किलोमीटर का होगा, तो बहुत तबाही वाला राइड होने वाला है। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ गियर फ्यूरी, जो दुकान है उस शॉप का नाम है गियर फ्यूरी, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से मुझे कुछ सामान वगैरह परचेज करना है। तो आज का जो मौसम है गाइस, बहुत सुहाना सुहाना मौसम लग रहा है। तो कुछ दिनों से मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड था मतलब अपने गुवाहाटी में भाई। मतलब मैं उस दिन रात को ऋषभ को लेने के लिए गया था कामाख्या स्टेशन, मेरा तो मतलब हाफ टी शर्ट लगा के मैं निकल गया और आते टाइम इतना ठंड लगा, बाप रे बाप। और कल हम लोग गए थे कामाख्या मंदिर जैसे कि, तो कामाख्या माँ का दर्शन भी हो गया और मैं उधर सोच रहा था कि एक ब्लॉग बनाओ, फिर देखा कि नहीं चलो ब्लॉग नहीं बनाते। वहाँ पर मैं दर्शन करने के लिए आया और थोड़ा मतलब पूजा देने के लिए गया, तो सोचा कि चलो मतलब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँ, तो इसके कारण मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और कल सक्सेसफुली हम लोग का पूजा भी डन हो गया। कल 14 आवर्स वेट करने के बाद जाके माँ कामाख्या का दर्शन हुआ हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब रियल स्ट्रगल कल किया रे भाई, मतलब क्या ही बोलूँ आपको। तो जाते जाते रास्ते से मतलब ये वाला लोकेशन मैंने स्पॉट किया था। पहले हम लोग यहाँ पर आते थे, आने के बाद यहाँ पर बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, सोचा कि चलो एक बार सामने से घूम के आते हैं। वैसे जब पानी का लेवल जब फुल हो जाता है ना, तो ये जगह पूरा पानी रहता है और यहाँ से स्टीमर वगैरह जाता है। तो चलो चलते हैं, जाके देखते हैं इस जगह में। और यहाँ पे शायद से ब्रिज बन रहा है, मेरे ख्याल से कुछ सालों में ब्रिज बन जाएगा, कुछ सालों में, हाँ विदिन 2-3 ईयर्स में ब्रिज बन जाएगा। लोग देख पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे एक रोपवे है जहाँ से उमानंदा टेम्पल जाता है। और इस जगह में जहाँ पे है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली जब पानी बढ़ जाता है तब पूरा पानी रहता है, पूरा फूल ये जो नाचित का जो कुछ है यहाँ पे। और यहाँ से आपका एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है सरायगढ़ ब्रिज, देख पा रहे हो, जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए गांधी मंडप, इसी साइड से जा रहे थे, सोचा कि चलो गांधी मंडप भी घूम के आते हैं। तो मैं वहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुका था, तब मतलब एक भैया आया, मतलब एयरफोर्स वाले बंदे, एक भैया आया, तो उनके पास कावासाकी निंजा 1000SX वाला मॉडल था। तो भैया को मैंने बोला कि भैया क्या मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ, तो भैया ने बोला हाँ ले लो। फिर मैंने फ़ोटो लिया, साथ ही साथ भैया को मैंने बोला कि राइड लो क्या एक, तो भैया ने बोला हाँ छोटा सा एक राइड मार लो। तो मैंने एक छोटा सा राइड ले लिया उनका बाइक लेके, मतलब पेट्रोल पम्प में बस राइड किया। तो मैं ये क्लिप्स में डाल दूँगा। और अभी फ़िलहाल तो आ गया हो यहाँ पे, ये लोकेशन का नाम है गांधी मंडप। और शुभम भाई ने भी कांटेक्ट किया कि मैं भी हूँ गुवाहाटी में, तो मिल लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो मिलते हैं। तो आ गए हम लोग गांधी मंडप, ऐसे भी गांधी मंडप के सामने ही से जा रहे थे, तो भाई से भी मुलाकात हो जाएगा। और थोड़ा यहाँ पे आया तो थोड़ा घूम भी आके पहुँच चुके हैं हम लोग गांधी मंडप। तो गांधी मंडप का जो ऊपर वाला जो व्यू है ना, जहाँ से वाला एग्जैक्टली व्यू दिखाई देता था, तो वहाँ पे गेट का जो था वो गेट बंद था, तो इसी कारण हम लोग घुस नहीं पाए। तो यहाँ से एक बार व्यू देखो गाइस, चेकआउट करो, इतना मस्त व्यू है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया था। और बाल ने तो पूरा मतलब हेयर्स ने पूरा एकदम बेहाल कर दिया, कल जाके हेयर्स कटवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। तो अभी हम लोग ने अपना स्कूटी का स्टार्ट ऑफ कर दिया, थोड़ा फ्यूल सेव कर रहे, क्योंकि सामने जाके पेट्रोल पंप मिलेगा, तो वहाँ पे जाके पेट्रोल डालेंगे। अभी आके फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग गियर फ्यूरी, तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या परचेज़ करने वाले हैं। तो बहुत दिनों से प्लानिंग था कि मुझे कुछ लेना है गियर्स वगैरह आने वाले राइड के लिए। तो ये जो गियर फ्यूरी है, ये आपका एग्जैक्टली KTM 6 माइल के शोरूम के साइड में ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो गियर फ्यूरी। तो अभी नीतीश आ रहा है, नीतीश आने के बाद हम लोग जाएंगे गियर फ्यूरी के अंदर, जाके देखेंगे कि आज कौन सा गियर्स ले रहे। तो तबाही वाला ब्लॉग आने वाला है और तबाही वाला राइड आने वाला है, तो गाइस स्टे ट्यून्ड। सुना है जिंदगी फिल्म है तो फिर मेरी पिक्चर सुपर हिट ना गला एंड ना पेंडरे ना। मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैं ये वाला लेने वाला हूँ, राइनॉक्स का एयर जी टी 3। तो कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो जैकेट खरीद रहे राइनॉक्स का एयर जी टी 3, एक मेरे लिए और मेरा एक और दोस्त मतलब नित्यानंदन के लिए ले रहे। तो सेम ले रहे, मतलब बस मेरा एक्सेल साइज और कलर अलग रहेगा, और उसका जो कलर है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप जैसे देख पा रहे हो, ये जो राइनॉक्स का एयर जी टी 3 ये मतलब नित्यानंदन के लिए ले रहा हूँ। गियर फ्यूरी, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सब कुछ कलेक्शन मिल जाएगा राइनॉक्स के अलावा, जो जो अलग अलग ब्रांड्स है सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हेलमेट्स वगैरह बहुत सारा है, एक्सोड, एक्सिस, फिर आपका बहुत सा अलग अलग ब्रांड है, आप लोग देख पा रहे हो। मैं एक सिनेमेटिक शॉट्स के साथ आपको दिखा दूंगा, आप लोग ज़रूर से देख लेना। और इस शोरूम में आके आप लोग ज़रूर से विजिट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सिलचर के ब्लॉगर्स मुझे बोल रहे थे कि भाई अगर गियर्स खरीदो तो कहाँ से खरीदो। तो आप लोग यहाँ से आके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भैया के साथ आके खरीद सकते हो। और मैंने भी ले लिया ये वाला, तो दोनों का पेमेंट करते फिर निकलते हैं। शॉपिंग हो चुका है डन। तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पापा को बोला, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि आज जैकेट खरीदना है। मेरे पापा को बोला कि पापा मेरे साथ जैकेट लेने आए हो, तो मैं खरीद लूँ क्या, मुझे अच्छा लगा वो जैकेट। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है खरीद लो, तो खरीद लिया। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ फिलहाल। और मम्मी को भी पता है नहीं पता कि ले लिया। अभी फिर मम्मी को घर जाके कॉल करके बोलूँगा कि खरीद लिया। और अभी भैया मतलब पैकिंग करवा के दे रहे दोनों जैकेट, मतलब सिलचर लेके जाना है, क्योंकि एक मेरा एक नित्यानंद है। तो अभी मेन टास्क होता है कि इन दोनों को लेके जाना, भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना है, क्योंकि मैं अपना हेलमेट भी दो लेके जा रहा हूँ सिलचर, क्योंकि सिलचर जाने के बाद एक राइड करना है, और सिलचर जाने के बाद एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। दो ब्लॉगर्स जा रहे हैं गुवाहाटी से सिलचर, तो वहाँ पे हम लोग एक मीटअप होने वाला है, तो वहाँ पे एक बढ़िया वाला राइड होने वाला है। और यहाँ पे देख रहे हो गाइस बहुत मस्त। और भैया ये वाला शूट कितना का है जो आपने बोला? 1,20,000 का। भाई यार शूट जो है मतलब मस्त है भाई बहुत। ये वाला बॉक्स में हम लोग ने गियर्स ले लिया, और यहाँ पे है हम लोग का स्कूटी पार्क। हो गया अब एक बड़ा सा टास्क, अब इस बॉक्स को कैसे लेके जाए यार। अभी वो बॉक्स पर लेके जाना पड़ेगा अपना हजरा तक, तो इतना हेवी हो गया भाई, बहुत हेवी। तो अभी फ़िलहाल नीतीश चलाएगा और मैं पीछे बैठ के उसको पकड़ूँगा। और अभी मुझे पता चला, और वहाँ पर शोरूम के अंदर डुकाटी स्क्रैम्बलर रखा हुआ था भाई, मस्त था भाई मस्त। अभी हम लोग ने देखा शोरूम के अंदर मतलब डुकाटी का स्क्रैम्बलर बाइक, तो ये आपका गियर फ्यूरी का जो ओनर है उनका बाइक है। तो उन्होंने बोला कि वीडियो नहीं कर सकते, बस आप देख सकते। तो मतलब मैंने वीडियो नहीं कर पाया, बट बाइक जो था गाइस ऑसम था भाई। हम लोग ने दो सुपर बाइक देखा, एक निंजा 1000 RR, और ये वाला कौन सा था? डुकाटी स्क्रैम्बलर डेजर्ट एक्स। भाई बढ़िया बाइक लगा डुकाटी। फिर तो भाई आज मज़ा हो गया भाई, आज का दिन बन गया एकदम। खरीद लिया, अभी वापस जा रहे हैं अपने घर, और लग रहा है कि वेदर का अनुसार लग रहा है कि बारिश आने वाला है, थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है। बस अभी जल्दी पहुंच जाए, बट अभी प्रॉब्लम है कि मालीगांव जाके बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है भाई। तो फटाफट घर चलते हैं, तो घर जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि आज हम लोग ने क्या क्या सामान परचेज़ किया है the next day। गाइस अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले, कल हम लोग ने अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा पाया, तो भाई थोड़ा सामने आ जाओ, अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको। तो ये है SMK का, जैसे कि आप देख पा रहे हो SMK का बॉक्स है हम लोग के पास, और अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप लोग सोचो कि गाइस इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान होगा, तो आप लोग फटाक से कमेंट कर दो गाइस। तो हम आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या सामान परचेज किया है। ये देखो राइनॉक्स, ये एक जैकेट, ये एक और जैकेट। पहले इन दोनों का अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो ये रहा मेरा जैकेट जो मैंने परचेज़ किया है राइनॉक्स। सो गाइस मैंने ये वाला परचेज़ किया है राइनॉक्स का एयर GT 3, जैसे कि देख पा रहे हो। प्रोटेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, हैंडगार्ड मिल जाएगा। तो इसका प्राइस लगभग पड़ा मेरे को राइनॉक्स का एयर GT 3 5,300 अप्रॉक्स। तो ये वाला कलर कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक और मैंने खरीदा है, जैसे कि देख पा रहे हो राइनॉक्स का, ये भी सेम है राइनॉक्स एयर GT 3 ब्लैक कलर का। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना रुपए का क्या सामान खरीदा। तो रिसेंटली मैंने जैसे कि हीरो एक्सपल्स परचेज़ किया है 4V, तो उसका प्राइस मेरा पड़ा 1,50,000 ऑन रोड, और 1,50,000 प्लस ये 5,300, और ये है 5,300, तो पकड़ लो 10,600 का सामान। और साथ ही साथ मैंने राइनॉक्स का, आप लोग ने देखा होगा कि थंबनेल में मैंने एक राइनॉक्स का ग्लव्स भी पहना था, तो उसका ऑल टोटल मिला के 1,63,000 पड़ता है। तो वही है बस, तो आप लोग बुरा मत मानना। तो उसमें से मेरा दोस्त का सिर्फ 5,300 का सामान है, तो मैंने सिर्फ ओनली 5,300 का सामान ही परचेज़ किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट करके बताना। और बहुत जल्दी हम लोग राइड के लिए निकलने वाले हैं, तो तबाही वाला राइड होने वाला है। और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं, रेवोटी और ऋषभ जा रहे हैं अपने घर सिलचर। मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, जैसे कि ये रहा हम लोग का रेवो भाई और यहाँ पे ऋषभ भाई। ऋषभ भाई तो फर्स्ट टाइम आ रहा है हम लोग के ब्लॉग में, आ रही है तो बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा। तो ऋषभ भाई कुछ दिन पहले आए थे गुवाहाटी, तो हम लोग आज निकल रहे हैं सिलचर के लिए। हम तीनों जा रहे हैं और स्पेशली भाई मेरे साथ जा रहा है सिलचर, राइड करेंगे। और भाई तुम भी राइड करो हम लोग के साथ, आओ कभी राइड वाइड करेंगे। तो अभी का बहुत प्लानिंग्स है, जैसे कि सिलचर जाने के लिए, जाने के बाद बहुत राइड करना है, बहुत एंजॉय करना है। इसलिए मैंने मतलब वो जैकेट परचेज कर लिया, क्योंकि एक लॉन्ग राइड होने वाला है तो आने वाले कुछ दिनों में, तो इसलिए मैंने वो जैकेट खरीद लिया। और भी बहुत कुछ लेने वाले हैं, लाइक मुझे अभी बहुत कुछ लेना बाकी है। अभी मुझे कुछ समथिंग ग्लव्स वगैरह लेना है। ग्लव्स तो वैसे ऑलरेडी है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। राइडिंग पैंट्स लेने वाला हूँ, तो राइडिंग पैंट्स आई गेस नेक्स्ट मंथ को मैं ले लूँगा। और कुछ चाहिएगा नहीं, क्योंकि राइडिंग पैंट भी आ जाएगा, जैकेट भी है और कुछ चाहिए नहीं, ग्लव्स भी है मेरे पास, तो अभी और कुछ नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो सिलचर जाने के बाद बाइक लेके आऊँगा मैं शायद से गुवाहाटी, आने के बाद तो दवाई वाला राइड होने वाला है। और बाइक में जो जो चीज़ एक्सेसरीज में ना इंस्टॉल करूँगा, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है। क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई एक्सपल्स में तुमने जो जो चीज़ मतलब डाला है, इंस्टॉल किया है, लाइक मोबाइल माउंट, फ्लैशर, वो सब चीज़ का एक वीडियो बनाना प्रॉपर। अब तक तो मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाया नहीं है अपने बाइक में, तो आने वाले कुछ दिनों में मॉडिफिकेशन वगैरह भी करवाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिलचर में नहीं करवाऊँ, गुवाहाटी में आने के बाद करूँ। गुवाहाटी में मेरा बहुत पहचान वाला दुकान है, तो वहीं पर मैं करवाऊँगा। लाइक फ्लैशर इंस्टॉल करना है, फिर मोबाइल माउंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मेरे राइड में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और भी बहुत कुछ चीज़ है जो चेंज करना है, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है गाइस एक्सपल्स 204V के ऊपर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। तो गाइस मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो टिल देन राइट सेफ, टॉप रेट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू सून।